आज है डे 5 और हम है कोटा बेटू में, नीलगिरीज में। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से टुवर्ड्स कविरत्ती। तो डे 5 तक का जो अभी तक का हमारा नीलगिरीज में ट्रिप रहा है, तो वो मैं अगर आपको बताऊं तो डे 2 हमारा कोनाकराई में था, जहाँ पे हमने ओवरलैंडिंग कैंपिंग किया था। फिर उसके बाद डे 3 हमारा रहा था इन हडाथराई, जो नियर टू दिस था, जहाँ हमने टेम्पल के पास किया था। और फिर उसके बाद आज हम यहाँ पे हैं करंटली इन कट्टाबेटू। कट्टाबेटू से डिस्टेंस 46 किलोमीटर्स का है और तकरीबन 2 घंटे का समय है, जो यहाँ से हम जा रहे हैं टूवर्ड्स कविरत्ती। तो कविरत्ती में आज हम कहाँ पे कर रहे हैं कैंपिंग, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं कविरत्ती विलेज देखना चाहूँ तो ये है कविरत्ती विलेज ऑन द ग्लोब। और यहाँ पे ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे आज हम करेंगे अपना नाइट कैंपिंग। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज है अपना एपिसोड नंबर 5 और हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे आज कट्टा बेटू से। तो ये है वो जगह, बोगन विला। सो बेसिकली ये एक होम स्टे है एंड ट्रस्ट, बहुत ही अच्छी जगह है यार रहने के लिए। कॉस्ट इफेक्टिव है, होम फूड है, सो वी हैव किचन हियर एज वेल एंड लेडीज सर्विंग द फूड। सो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ द लेडीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर फॉर माई प्लीजेंट स्टे। दिस चैनल लाइक पनेंगे, सब्सक्राइब पनेंगे। तो चलो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। देखते हैं कैसा रहेगा ये दिन और कैसे कैंपिंग लोकेशन पे क्या परमिशन मिलती है, क्या लोकेशन होने वाली है। आपने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखें, और अगर सीरीज नहीं देखी है एपिसोड 1 से अभी तक तो प्लीज़ गो एंड वॉच और फिर ये एपिसोड नंबर 5 देखें, तो आपको पूरा समझ में आएगा हाउ द ओवरलैंडिंग इज़ गोइंग ऑन और क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड हाउ वी आर डूइंग इट। एंड डेफिनेटली प्लेसेस सारी हम बेस्ट ही चुन रहे हैं, बेस्ट प्लेस राइट, सो दैट मैं आपको अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस दूं। एंड ट्रस्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी लोकलाइट्स हैं, जैसे मैं इस होटल में भी रह रहा हूँ तो यहाँ पे भी लोग हैं लोकलाइट्स जो आ रहे हैं स्टे कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को वो जगह ही नहीं पता जहाँ जहाँ मैं कैंप कर चुका हूँ, कार कैंपिंग दैट ओवरलैंडिंग। तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है यार। तो चलो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। मुझे लगता है कि ये वाला रूट बिकॉज मेन हाईवे से हटके है और रोड यहाँ पे भी अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रूट ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। टाइम हो रहा है 11:25, बिकॉज सब कुछ करते करते, पैकिंग शैकिंग सब कुछ, सेटलमेंट सब करते करते टाइम लग जाता है यार। अपने से ज़्यादा गाड़ी का सामान, गाड़ी के अंदर कैमरा सेटअप सब कुछ करने में इनमें ज़्यादा टाइम लगता है। टर्न्स तो बहुत खतरनाक होते हैं, बट ये रोड फिर भी काफ़ी चौड़ा है तो इस पर कोई चैलेंज नहीं, लेकिन जो पिछले एपिसोड में आपने देखे होंगे वो बहुत खतरनाक रोड है यार, वो खतरनाक ही रोड है। बाकी पता नहीं आगे जाके क्या मिल जाए, कैसा मिल जाए। ये देखो ये चढ़ा 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 चढ़ा। तो यहाँ पे ड्राइविंग पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब आपको रोड पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। और साथ में ये व्लॉगिंग टॉकिंग इधर उधर देखना सब भी करना होता है, बट यस फिर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है रोड पे, क्योंकि टर्न्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं यार इधर, चाहे नीलगिरी हो या वेस्टर्न घाट हो, साउथ के जितने भी पहाड़ है ना, इनमें टर्न्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो ज़्यादातर तो हेयर पिन बेंड्स होते हैं, बट कुछ तो बहुत ही भयंकर हो जाते हैं। और पता नहीं है आपको, कई बार आपको जैसे व्यू नहीं दिख रहा है ना, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कितना टर्न है। वाओ यार क्या जबरदस्त पहाड़ी है यार ये सामने, क्या जबरदस्त पहाड़ी है। ओ हो, ये रास्ता कितना सुंदर है, मैंने सही किया है यार मतलब ये रोड चुन के।
एंड ट्रस्ट आई एम हैप्पी विद माई डिसीजन. कई बार डिसीजन गलत भी हो जाते हैं यार. और ये जो आ रही है यहाँ की स्मॉल बस कहते हैं इसको, इस पे लिखा भी होता है साइड में स्मॉल बस. जैसे अपना हिमाचल साइड में या उत्तराखंड साइड में नहीं, पहाड़ों में छोटी बसेस चलती हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की, तो वैसे ही ये भी छोटी बसेस हैं. एंड तो जो एपिसोड अगर आपने 2 नहीं देखा है तो देख लो यार. ये देखो कितना भयंकर, ये हेयर पिन बेंड, 29 हेयर पिन बेंड्स हैं. सामने बोर्ड लगा है जिसमें ये 27 है. तो मेहनत तो बहुत होने वाली है ड्राइविंग में, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि व्यू अमेजिंग होने वाला है. ये देखो यार नीचे, अभी ये बिल्कुल नीचे उतार रहा है टुवर्ड्स वैली. हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जो एपिसोड 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो. उसमें जो मैं कोनावा करई के नाम से जो वो एपिसोड है, उसमें इतनी नैरो रोड है यार, जितनी आप ये देख रहे हो ना मेरी वन साइड, ये सेंटर लाइन जो रोड पे दिख रही है आपको, बस इतनी. और इस पे से ये स्मॉल बस 2 या 3 बार आई गेस आई. अब मुझे नहीं पता उसमें से मैंने कितनी बार रिकॉर्ड किया उसको. उसको पास देना भयंकर टास्क हो गया था यार, उसके लिए भी हो गया था क्योंकि वो रोड ही नहीं है. लेकिन यार ये लोग तो एक्सपर्ट हैं. और एक तो बस वाले बहुत ऊंचाई पे होते हैं यार, ऊपर बैठे होते हैं, तो उनको तो सब ऐसे दिख रहा होता है जैसे प्लेन में बैठे हों, और हम नीचे से देखते रहते हैं ऊपर. हाँ भैया ठोकना नहीं ठोकना नहीं, या फिर हमें डर होता है कि भाई घुस ना जाए, डर उन्हें भी होता है, लेकिन यार दे आर एक्सपर्ट. ओके अन्ना थैंक यू, आई विल कम हियर. तो अन्ना ने बहुत हेल्प किया यार, इन्होंने रोका मैं बोले तो बोले यहाँ पे आराम से आप रह के, जैसे कल तो भगा दिया था मुझे, तो बोला इन्होंने आराम से आप यहाँ पे आकर और आके मुझे फोन करना, मैं आऊंगा आपको हेल्प कर दूंगा किसी भी काम में. चलो यार एक बेस्ट पार्ट तो हो गया कि मैंने एक बैकअप बना लिया है कैंपिंग का. अगर मैं कैंपिंग करने नहीं दिया किसी ने तो मैं यहाँ आऊंगा वापस, जहाँ भी आपने देखा अन्ना के साथ था, तो वहाँ पे 2 या 3 जगह आराम से कर सकते हैं. और अन्ना ने भी फुल सिग्नल दे दिया है कि आप आराम से सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्प चाहिए तो. फिलहाल मेरे पीछे बहुत ही एक अमेजिंग व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से. वाइपर आता रहेगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि बारिश हो रही है तो एक बार वाइपर लगता है तो थोड़ा क्लीन हो जाता है, तो वीडियो भी ठीक दिखेगी. ओ वो 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 पेरियार नगर, ये केरला नहीं है भाई, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. भाई साहब मैं ये बोलूंगा यार, सारे व्यू अच्छे थे मतलब पिछले एपिसोड्स में, भाई यहाँ कुछ अलग ही लेवल का मजा है भाई. भाई साहब माइंड ब्लोइंग, इतना खूबसूरत. हो सोचो यार, एक तो पास की हरियाली, ऊपर से हरे हरे पहाड़ों में ये धुंध या बादल कुछ भी कहो यार, ये बादल क्या मस्त जा रहे हैं, क्या मस्त जा रहे हैं, देखो. वाह 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 यार वाह. मैं मुझे तो लग रहा है मैं 2 घंटे का रास्ता 4 घंटे में करने वाला हूँ अगर ये ऐसा चलेगा तो. ओहो अन्ना तो यार यहीं पे चाय ले आए, और हो रही है बारिश हो रही है तो अपन ने सोचा यार एक जगह चाय पी ली जाए. ये देखो यार इस कैमरे के सामने कैसे धुंध जम गई है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया. इसको क्लीन करते हैं और मजे करते हैं गरम गरम चाय के. Thank you.
कितने सारे बच्चे आ गए अपने पास। हाय माय नेम इज लोगित। हाय लोगित। हाय माय नेम इज शरवणन। हाय माय नेम इज रितेश। हाय रितेश। सो टुडे इज योर हॉलिडे? यस। ओह व्हाट हॉलिडे इज टुडे? गवर्नमेंट। व्हाट्स द हॉलिडे नेम? यू आर एंजॉयिंग योर हॉलिडे? यस। ओह कूल गुड गुड। तो यार डिस्टेंस अभी बाकी 35 किलोमीटर, टाइम हो रहा है 2 बजे का। मैं बीच में एक गांव में रुक गया था और वहां काफी देर बात हुई नीलगिरीज टीवी वालों से। उन्होंने मुझे रोक लिया, बोला मतलब दे वर वेरी हैप्पी, मैं भी काफी खुश था। काफी हम लोगों ने नॉलेज शेयरिंग करी और एक पुराना वीडियो है मेरा जो डॉक्यूमेंट्री है ऑन बड़गास, तो उस पर एक क्वेश्चन भी आया था रिलेटेड टू, काफी हाई लेवल क्वेश्चन था रिलेटेड टू अदर ट्राइबल्स। तो उन लोगों ने मुझे, नीलगिरी टीवी वालों ने हेल्प किया, मैंने उन्हें कमेंट में बताया। बट कुछ भी श्योर नहीं है बिकॉज ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो सब ट्राइबल्स देते हैं, तो अब कितना हद तक कहाँ तक क्या करेक्ट है, इसीलिए मैं कुछ भी श्योर नहीं बोलता हूँ जब मैं किसी ट्राइबल्स के बारे में, जब तक सामने नहीं बैठे हो, कोई खुद नहीं बात कर रहा हो ट्राइबल। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं रास्ते पे। तो दूर जो आप ये देख रहे हो नीचे, ये विलेज, यह है कविरत्ती विलेज। इसके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और मैं जब पिछले ओटी सीरीज पे आया था तो मैं यहीं पे आया था। तो अभी हम यहीं पे जा रहे हैं आज की कैंपिंग के लिए। तो यार अभी मैं यहां से निकला था, मैंने नीचे कविरत्ती गांव दिखाया ना कि जहां पे मैं लास्ट टाइम था। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है कोइंसिडेंस। माय मोस्ट फेवरेट पर्सन इन नीलगिरी, संतोष एंड सतीश जी। सो आई मेट सतीश जी बैक। I'm so glad to see you, sir. So glad. Thank you. And पति जो पीछे अंकल से मिले थे उधर नहीं करेंगे, अब हम करेंगे सतीश जी के गांव में, क्योंकि यहाँ क्लाउड का ट्रांजिशन औसम है। और सतीश जी से मिलने हूँ तो अब मैं कहीं और कर ही नहीं सकता, मुझे यही करनी है। लास्ट टाइम मैं बस भाग रहा था इनसे मिलके, बट इस बार नहीं, इस बार टाइम देंगे आराम से, सुबह तक यहीं रहेंगे। तो चलो मिलते हैं रास्ते पे। तो यार ये है कवरटी विलेज लेफ्ट में जाके, और देखो यार क्या खूबसूरत विलेज है। और ये है हमारे फ्रेंड कार्तिक, और बहुत खूबसूरत नज़ारा इसी वक्त और सुबह, तो बहुत अमेजिंग टाइम लैप्स आने वाला है। तो इसमें काफ़ी देर से हम ढूंढ रहे थे कि कैंपिंग कहाँ पे की जाए कार की, तो काफ़ी अच्छा ये ग्राउंड मिला है। तो दिस इज़ वॉलीबॉल ग्राउंड, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कैंपिंग। तो चलो करते हैं सेटअप। तो यार अपना ये कैंप सेटअप हो गया है फुल, और अभी हो गया है ऑफिस का टाइम, तो थोड़ा सा काम करते हैं और फिर शुरू करते हैं कुकिंग। और अभी आ गया था एक वाइल्ड बोर, तो उसको कुत्ता भगा रहा था, तो मैंने क्या किया है मैंने लगा दिया ये टॉप पे लाइट, यहाँ थ्रो कर रहा है। रेस्ट मेरे पास तो यहाँ का, इस साइड का कोई विजन नहीं है, कोई लाइट नहीं है मेरे पास। तो यार टाइम हो चुका है 9:30 रात का, और बहुत जोर से आंधी तूफान चल रहा था, 1 घंटे से मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, ये 2 जगह से फट गया है। तो मुझे लग रहा था आज केले या बिस्किट खा के ही जीना पड़ेगा रात को, वैसे ही मैंने दोपहर में कुछ खाया नहीं था,
तो अभी करना पड़ेगा क्विक वाला ही, अगर तूफान आंधी नहीं होती या बारिश नहीं होती ना, जो अभी थमा हुआ है देखो कितना कवर किया मैंने, तो हम कुछ आज और अच्छा बनाते, तो आज कुछ और चिकन बनाने का प्रोग्राम था, तो आज हम बना रहे हैं फिर वही सीख कबाब और ओट्स की खिचड़ी, तो शुरू करते हैं। सो ऑयल हो गया मस्त गरम, ये भी उठता जा रहा है, मैंने पीछे भी टिका रखा है, यहाँ से भी इसको टिका रखा है। जब तक ये हो रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ आज का सेटअप कैसा है। इसको हिलाना भी वैसे भी पाप है, तो ये है हमारा सेटअप, क्योंकि चारों तरफ बहुत अंधेरा है तो आज मुझे अपनी ये फ्लड लाइट भी यूज़ करनी पड़ी है जो मैंने रखी है गाड़ी के ऊपर, तो जिससे मुझे यहाँ का विज़न आ रहा है। आई नो आपको नहीं दिख रहा होगा इतना ज़्यादा, बट हाँ फॉर मी इट है 10-20 मीटर तक देख सकता हूँ फॉर माई सिक्योरिटी। गैस बहुत बुरी कंडीशन में है, ये बन जाए तो आज बहुत बड़ी बात है, थोड़ा थोड़ा तो हो चुका है। लेट मी ट्राई समथिंग एल्स, थोड़ा करके यहाँ से करता हूँ पुश, ताकि अब देखो तीन जगह से तो मैंने रोक दिया तो थोड़ा फर्क पड़ गया है, बट स्टिल काम बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है। आई एम श्योर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, बट यार अगर आपको अभी मैं दिखाऊंगा तो ये खाना पक नहीं पाएगा। मैं बीच बीच में दिखाऊंगा बट वहां से सिर्फ मैं दिख रहा हूँ आपको। तो यार ये हो चुका है सेट, तीन ओट्स के पैकेट ले लेते हैं ताकि भूख मिट सके। चाहिए ये घर वाला मसाला थोड़ा, भाई यहाँ नजर बहुत रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड बोर बाइसन सब है यार, पीछे ही जंगल है। तो अगर आपको लग रहा होगा कि ऑलरेडी कर रहा है कि डर रहा है, भाई कुछ जितनी भी जगहों पे जा रहा हूँ ये बहुत ही ऑफ बीट है। इवन मुझे अभी सतीश जी भी यही बोल के गए कि कुछ भी होगा आप तुरंत फोन करोगे मुझे, सो दैट ही कैन कम। तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आज मेरे पास दो ही लाइट है, जनरली मैं ऐसी लाइट दो तीन होनी चाहिए ताकि आप थोड़ा दूर लगा सको दूर, ताकि थोड़ा सा विजन आपका बना रहे। एनीवेज अभी जो है हम उससे करेंगे, लर्निंग होती रहती है लर्निंग। रेडी है, सो ये है आज का खाना। सो यार टाइम हो रहा है अभी रात को 10:30 का, और बाहर से सब पैकअप करते करते, और आपको भी आवाज़ आ रही होगी बहुत ज़ोर से हवा चल रही है, मतलब तूफान जैसा चल रहा है कुछ, और बारिश भी हो रही है। तो सारा कुछ पैकअप हो गया है, खाना वहाँ रखा है मैंने खाने के लिए, अब मैं खाना खाऊंगा। आज बहुत थक गए हैं क्योंकि आज का ट्रिप जो था नीलगिरीज के अंदर वो बहुत ज़्यादा लंबा था, कार कैंपिंग एंड कुकिंग एवरीथिंग, और आज लंच भी नहीं हुआ था।
तो आई होप आपको लगा होगा ये एपिसोड अच्छा, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट, एंड प्लीज कमेंट जरूर करना कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं अब एक नए एपिसोड में एक नई सुबह को, और टिल दैट टाइम सी यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।